पूल देखो माली रास्ते में रख गया है, इसको जरा मैं बांध लूँ वरना पूल टूट जाएंगे। सेंस माली को होनी चाहिए, मालियों को हमें कुछ समझाना पड़ता है। अब देखो मैं इसको पहले बांध लूँ, इतने प्यारे कई अरसे के बाद फूल गए, तो सारे तो फूल हमारे जल गए थे, कुछ मुर्गियों ने खा लिए थे, तो वो माली तो चला गया गाँव, अब वो एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आएगा। तो आप मुझे कहती हो अम्मा इन वंडरलैंड में क्या मतलब है, ये है अम्मा इन वंडरलैंड। कभी अम्मा माली बनती है, कभी ड्राइवर बनती है, कभी ग्रॉसरी लाती है, कभी कुकिंग करती है, तो कभी गटर में भी हाथ डालती है। तो क्या करें फिर, घर तो चलाना है ना। तो आज हम जा रहे हैं ईद की ग्रॉसरी करने, मैंने कुछ डिशेस बनानी है, मैंने मटन निहारी बनानी है, उसकी फरमाइश है कि मटन निहारी तो मैं बहुत अरसों से बना रही हूँ और सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मटन निहारी के मेरे पास मसाला जात नहीं थे, तो वो मैं लेने के लिए मार्केट में जा रही हूँ। तो चले आए आज मैं आपको भी शामिल करती हूँ, और हमारे घर में एक नए मेहमान का इजाफा हुआ है, आए मैं आपको वो मेहमान भी दिखाती हूँ। आए तो बोले आए तो ये हमारे घर में एक नए मेहमान का इजाफा हुआ है। वहाँ थे काले मुर्गे, उन मुर्गों में आया है एक अदद सफ़ेद मुर्गा। अब उन मुर्गियों ने इनको अभी फ़िलहाल इसको अलहदा किया हुआ है, इससे दोस्ती नहीं कर रहे। कल हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए काफ़ी अरसे के बाद निकले, क्योंकि सामान तो मैं घर पर डिलीवर करवा लेती हूँ। कुछ ऐसे मसाला जात थे जो कि मुझे कुछ रेसिपी ईद की हवाले से मुझे आपको देनी थी, तो वो मसाला जात मैंने खुद जाकर लाने थे। फिर वो मसाला जात मैं ढूंढ कर लाई, तो उसके साथ साथ मैंने दूसरी भी ग्रॉसरी कर ली। कल हम लेकर आए थे तो ला कर मैंने बाहर, हमारे पास एक छोटा कमरा है तो मैंने वहाँ पर सब चीज़ें रख देती हूँ। कुछ 7-8 घंटे बाद, 15-12 घंटे के बाद मैं उन सब चीज़ों को फिर किचन की टेबल पर लाती हूँ। जो तो चीज़ें होती है फ्रेश, उनको तो फिर मैं फिर शॉपिंग बैग चेंज करके उसको हम लोग फ्रिज का ही खाना मैंने महसूस किया हुआ वहाँ रखती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। अब जब मैं कल बाहर गई, पहले हमने हाथ सैनिटाइज़ किए, फिर मास्क पहने, फिर वहाँ गए, वहाँ जाके किया सब कुछ, और उसके बाद जिस चीज़ को भी हाथ लगा रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे हाथों को बस ऐसे करके फिर रहे थे। आप सोचो ये कितनी अजियत है कि हम हर वक्त, हमें वहम है कि जी ये चीज़ हमें हमने ये तो हमने हाथ धोने हैं या कुछ इस तरह से, और जैसे आप बाहर जाते हैं वैसे ही भूखे आप घर में वापस आ जाते हैं, ना कुछ चीज़ खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ वहम की वजह से। तो बस अल्लाह ताला हमें इस वायरस से निजात देते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं, ताकि हम अपनी पहली नॉर्मल दुनिया में आ सकें। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम ग्रॉसरी करते हैं, तमाम ख़वातीन ग्रॉसरी करके आती हैं। पहले मैं घर से लिस्ट पर आ गई थी मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके बाद फिर जब मैं वापस आती हूँ तो फिर मैं उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। जो मेरे बाथरूम के सामान होता है उसको मैं अलहदा करती हूँ, सब्ज़ियाँ अलहदा कर लेती हूँ, मसाला जात मैं अलहदा कर लेती हूँ, फिर उन सब चीज़ों को मैं लिस्ट के साथ ज़रूर एक दफ़ा मैच करती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें जो होती हैं वो गलत आ जाती हैं, या हमें चार्ज ज़्यादा किया होता है या हमें चार्ज नहीं किया होता। अगर चार्ज नहीं किया होता तब भी मैं वापस स्टोर में जाके उसके पेमेंट करती हूँ, और अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया होता है तो मैं तब भी ज़रूर वापस जाके उनसे, जब मैं दोबारा जाती हूँ
तो मैं ज़रूर उनसे उस चीज़ को ठीक करा लेती हूँ। तो मैंने इस तरह सब कुछ कर लिया है, मैं थोड़ा सा इसको चेक करूँगी इसके साथ कि सब चीज़ें मौजूद हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या मसाला चाहता। सारी चीज़ें अपनी इतनी लंबी सी लिस्ट के साथ चेक कर ली हैं, तो ये जब चीज़ें पूरी हैं और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कौन से मसाला जात खरीदे हैं। सबसे पहले तो मैंने ये चमचियाँ ली हैं, क्योंकि मेरे पास कप्स का तो मेजरमेंट का था लेकिन चमचियों का मेरे पास पूरा नहीं था। फिर ये मैंने बड़ा अच्छा मुझे प्राइस में मिला था 145 में, तो ये मैंने हाफ, फिर उससे 1 टीस्पून है, फिर 1 टेबलस्पून है, हाफ टेबल स्पून, ताकि इससे मेजरमेंट अच्छी हो जाती है। ये शेस्टिक स्टिक्स ली हैं, ये भी ख़त्म हो रही थी कि कोई मुझे बीफ टिक्का या शेस्टिक आपको बनाकर दिखाना था, तो उसके लिए मैंने ये स्टिक्स ली हैं। और मेरी पसंदीदा हरी मिर्चें, लाल रंग की मिर्चें थीं, ये मुझे बहुत अच्छी मिली थी, तो थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने इसको ले लिया। ये होम किसी की अपने घर की उगाई हुई थी, उन्होंने वहाँ पे स्टोर में रखी हुई थी बेचने के लिए। होम ग्रोन के नाम से है ये फ्रेश चिलीज, और ये कश्मीरी मिर्चें हैं जो कि नहीं मिलती, तो मैं इसको सुखा कर और इसको मैं पीस लूँगी, अपने खानों में अच्छा रंग देंगी ये। और उसके साथ फिर ये हरी मिर्चें भी ली, जिसमें ये भी 3-4 तरह की हैं, कोई गोल हैं, कोई छोटी हैं। हरी मिर्चों के बगैर तो खाना का मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकती, क्योंकि हरी मिर्चें आजकल मार्केट में अभी नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ स्टोर से ले। और साथ साथ ये मेरे पास 3 स्पेशल 4 मसाला जात हैं। एक तो ज़ाफ़रान मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, और ये अगर मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मैंने अपने कुछ ईरानी डिशेज़ आपके साथ शेयर करनी थी, उसके लिए ज़ाफ़रान मुझे चाहिए था। फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा महंगा तो है, एक दफ़ा इसको ले ही आती हूँ। और ज़ाहिर बात है मैं इसको इस्तेमाल अब बहुत एहतियात से करूँगी। ये समक पाउडर है जो कि मुझे पहले नहीं मिल रहा था, तो ये मैं एक बड़े स्टोर पर गई थी तो मुझे वहाँ से समक पाउडर मिल गया। एक जगह से मुझे मिला था समक पाउडर पाउडर की फॉर्म में, तो मैंने कहा कि पाउडर की फॉर्म में मुझे क्या पता है कि इसमें समक पाउडर ही है या कुछ और हो, तो ये मुझे समक दानों की सूरत में मिला है, तो अब मैं इसको खुद ग्राइंड कर लूँगी। कम अज़ कम मुझे तसल्ली तो होगी कि ये असली समक पाउडर है। ये ईरानी डिशेस में और टर्किश डिशेस में डलता है। और उसके साथ ही मैंने ये लिया कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी ओरिजिनल है, वरना मार्केट में अगर कश्मीरी लाल मिर्च आप लेने जाते हैं तो वो उसको कलर किया होता है, वो असल कश्मीरी लाल मिर्च नहीं होती। तो ये भी मैंने इसको भी मैंने परचेज किया, ये भी काफ़ी मुझे महंगी ही मिली थी। ये यही वाली चीज़ है, इसको उन्होंने सुखा कर तो पीसा हुआ है। और फिर ये सी सॉल्ट, सी सॉल्ट के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैंने ये भी ले लिया। मैंने कहा ये हमारे स्किन केयर के लिए भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, और उसके अलावा हमारे कुछ खानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसको मैं जब यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। माउथ वॉश के लिए भी यूज़ होता है, टोनिंग योर स्किन, ओपनिंग पोर्स, और इन सब चीज़ों के लिए। तो फिर मैं एक पैकेट ये भी ले आई। तो ये मेरी बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। उसके अलावा मैंने निहारी के मसाले लेने थे, निहारी का मसाला मैंने खुद बनाना था, तो कुछ तो मसाला जब मुझे मिल गया और कुछ मुझे नहीं मिले, अब मैं वो किसी पंसारी की दुकान से लूँगी। तो और फिर ये ओरिगैनो लीव्स ख़त्म हुए हुए थे, वो लिए। सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट पिंक, और उसके अलावा ये कुछ ली थी मैंने, क्या कहते हैं, सीका काय का पाउडर है, आंवला है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बेटियों को और अपने लिए भी, बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे अक्सर लोग के उतर दें, तो मैं इसका पाउडर बना के इससे बालों के लिए शैम्पू बनाऊँ। तो मैं जब ये बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अल्लाह करे कि मैं बना लूँ। और फिर ये बाजरा लिया है जो कि मैं कबूतरों को, चिड़ियों को डालती हूँ, और आप भी ज़रूर डाला करें, क्योंकि इस जब कबूतर चिड़ियाँ ये सब परिंदे आपके घर से खाना खा कर जाते हैं तो आपकी रिज़्क में इजाफा होता है, और परिंदे आपकी दुआएं ही करके जाते हैं, और हमें तो वैसे भी दुआओं की अशद ज़रूरत है। और उसके अलावा फिर ये सूखा धनिया है, कोई अनारदाना है, और ये कचरी पाउडर है। कचरी पाउडर मैंने लिया है क्योंकि कचरी पाउडर केमिकल वाला नहीं होता, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है कि आप गोश्त गलाने के लिए, पपीते का पाउडर अक्सर नहीं मिलता या पपीता कच्चा नहीं मिलता, तो कचरी पाउडर आप ले लें, ये आपको इजीली मिल जाएगा, इससे गोश्त बहुत अच्छा गल जाता है।
और इस तरह से काली मिर्च साबुत ली है क्योंकि ये भी मैं घर में पीसती हूँ। जो चीज़ें हम घर में पीस सकते हैं उसे हम घर में पीस लेंगे, अक्सर बाहर से चीज़ें सही नहीं मिलती। और फिर ये कुछ बिस्किट्स हैं, कुछ सॉस है, बारबेक्यू सॉस ली है, फिर ये केचप है, हैबनेरो कोई नई केचप आई है चिलीज़ के साथ, तो कुछ हॉट सॉस हैं, कुछ पॉटले सॉस हैं। मैं घर में भी बनाती हूँ लेकिन फिर एहतियातन ले भी लेती हूँ, कभी ख़त्म हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये कोई आपके कावे के लिए, ग्रीन टी के लिए है, एप्पल में है और पीच में। और ये मैंने किचन के एब्जॉर्बिंग जो टॉवल्स होते हैं खाने करने के, जो किचन के माइक्रोवेव इससे अच्छा साफ़ हो जाता है, ऐसी चीज़ें जो हम कपड़ा यूज़ नहीं करते और हमें हाइजीनिकली साफ़ सफाई करनी होती तो फिर उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। और उसके अलावा ये ब्राउन शुगर के लिए मैंने, क्योंकि ब्राउन शुगर मैं अक्सर चाइनीज़ खानों में यूज़ करती हूँ, चटनियों में भी डालती हूँ, सॉस वगैरह में, तो ये ब्राउन शुगर का बड़ा अच्छा उसमें फ्लेवर आ जाता है। और ये साथ मैंने कुछ दूसरे सामान भी लिए हैं जिसमें वाइप्स हैं, और वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी में जैसे आजकल जो के जो हालात बने पड़े हैं उसके लिए। फिर ये मैंने आपको साथ शेयर करना था कि चूँकि आजकल मौसम बारिश का है तो छिपकलियाँ और चूहे जो हैं वो अपने बिलों से निकल आते हैं बाहर और घरों के अंदर हमें बहुत तंग करते हैं, और जिस कमरे में या जिस किचन में छिपकली आ जाए तो वहाँ तो उस जगह तो अंदर एंटर होने को दिल नहीं करता। तो ये मैंने ग्लू मिलती है, ये मैंने अलफते से ली है, तो ये आप भी वहाँ से अगर ले लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आती तो ये महंगी है लेकिन ये कि ये 3-4 साल आराम से गुजर जाती है। मैंने अक्सर अपने फ्रिज के नीचे और अवन के नीचे गत्ते के ऊपर लगा कर मैं इसको रख छोड़ती हूँ, फिर अगर कोई वहाँ पे कुछ छिपकलियाँ आ जाएँ तो फिर वो इसके साथ चिपक जाती है, हम फिर गत्ता उठा के फिर हम बाहर फेंक देते हैं। तो जहाँ आपको लगे कि ये इस तरह से चूहे या छिपकलियाँ आने की जगह है तो आप वहाँ पर ज़रूर रखेंगे। तो पता नहीं क्या हमारी बदकिस्मती है कि किचन में फ्रिज के नीचे और ओवन के नीचे तो ये चीज़ें ज़रूर आनी होती हैं। तो और उसके अलावा साबुन चलते हैं हमारे सारे, डेन टॉनिक पाउडर भी जो बचपन में हम यूज़ करते थे, तो वो मेरी बेटी ने देखा तो छोटी वाली ने उसने कहा कि अम्मा ये दादी के घर में होता था, तो मैंने कहा अच्छा आप ले लो, पहले तो मैं लाती थी अब आप लोग यूज़ ही नहीं करते तो ले लो इसको भी यूज़ करना। तो आपको भी याद होगा डेन टॉनिक पाउडर जो हम लोग यूज़ किया करते थे। ये कोको पाउडर लिया है क्योंकि बेटियां जो हैं वो ब्राउनीज बहुत ज़्यादा बनाती हैं घर में, ब्राउनीज शौक से खाती हैं, मेरे भांजे भांजियां भी खाते हैं, तो फिर अक्सर वो ब्राउनीज घर में ही बनाकर हम लोग रख लेते हैं। और मिल्क पैक की क्रीम्स भी हमारे घर में पाई जाती हैं क्योंकि क्रीम भी अक्सर यूज़ होती है। इस दफ़ा मैं अनियन पाउडर भी ढूँढ कर लाई हूँ क्योंकि अनियन पाउडर भी अगर हम लोग किसी एक चम्मच ड्राई पाउडर्स के साथ यूज़ करें जिंजर पाउडर के साथ तो इसका अपना टेस्ट आता है, तो इस दफ़ा मैं ढूंढ के ये भी लेकर आई हूँ और मुझे शुक्र है कि इस तरह की चीज़ें मिल गई। और इस तरह से मैंने कुछ नूडल्स लिए हैं क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे आते हैं तो नूडल्स शौक से खाते हैं, और दालें और चावल वगैरह मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये मैंने जर्दे का कलर लिया, साथ मैंने एक पर्पल कलर भी लिया है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि अम्मा पर्पल कलर भी ले लें चावलों में, कहीं कहीं हम ये भी डालेंगे। अब मैंने कहा अच्छा बना लो तुम पर्पल कलर, पर्पल कलर तो वैसे ही बहुत पसंद है। और ये स्टॉक्स नहीं है कुछ, वैसे तो यखनी मैंने बना कर रखी होती है लेकिन कुछ चीज़ें मैं एहतियातन अपनी उसमें लाडर में ये भी रखती हूँ कि कभी अगर ना बनी हो तो हमारे पास ये चीज़ें सब अवेलेबल हों। अब मैं अब ये सारी ग्रॉसरी अंदर रखूँगी और ईद के लिए तैयारी रखूँगी कि मेरे पास सारे मसाला जहाँ तैयार हों, अदरक कटा हुआ हो, अदरक भी मैं ले आई थी, लहसुन भी मैं छील के पीस के रख लूँगी और अदरक को भी मैं काट के उसकी पेस्ट बना के रख लूँगी, और इसी तरह से प्याज को फ्राई करके रख लूँगी। वैसे तो ये लॉकडाउन की वजह से मेहमान जो हैं वो कम ही आएंगे लेकिन ये कि अगर कोई मेहमान अचानक आ जाए तो आपके पास हर चीज़ रेडी हो जिससे आप उन्हें फौरी तौर पे कुछ बनाकर खिला सकें। तो हम सब ख़वातीन इस तरह से करती हैं, चाहे घर में मुलाजिम हो या ना हो, जब तक ख़वातीन खुद इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होते घर नहीं चलते। और इस दफ़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अब आप सुन रहे होंगे बकरों की आवाज़ें भी इर्द गिर्द से आ रही हैं। तो अभी तक हमने तो कुर्बानी का कोई जानवर नहीं लिया, हम लोग के हमेशा ईद से एक दिन पहले ही आता है। तो चलें फिर हम देखते हैं और नेक्स्ट में आपके साथ फिर क्या शेयर करती हूँ।